पुलिस से आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दफ्तर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और कांग्रेस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उन पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। सभी जबरन थाने में घुसने की कोशिश करते नजर आए, जिन्हें पुलिस वाले रोकते दिखाई दिए। जिनको चोट लगी है वो आए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी मेहरबानी करके उधर हो जाए। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पथराव हुआ है, लाठियां बरसाई गई हैं, उससे साफ मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने का उन्होंने प्रयास किया। हंगामे और नारेबाजी के बीच बीजेपी के घायल कार्यकर्ताओं को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई। हमारे लोग सब एफआईआर करा रहे हैं, अभी मेडिकल के लिए लेकर के जा रहे हैं। मेरे हाथ को बहुत बुरी तरीके से खींचा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर।